नौसर माता मंदिर की कब्जा शुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोक रहे हैं असामाजिक तत्व। गौशाला और बाउंड्री वाल निर्माण के बीच लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू है स्थानीय भू माफिया। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शुक्रवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर श्री श्री नौसर माता मंदिर पुष्कर रोड नौसर घाटी के मंदिर प्रबंधन और सेवकों ने मांग की है कि मंदिर के आसपास रह रहे असामाजिक तत्व और भू माफियाओं को पाबंद किया जाए। शैलेश गुप्ता ने बताया कि मंदिर प्रबंधन और मंदिर के सेवकों द्वारा मंदिर की कब्जेशुदा 63 बीघा भूमि पर गौशाला और बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया जा रहा है। इस निर्माण से पूर्व पटवारी, गिरदावर, ADA पटवारी, वन विभाग सभी की मौजूदगी में भूमि का GPM द्वारा सीमा ज्ञान करवाने के बाद ही निर्माण शुरू किया गया, लेकिन आसपास के असामाजिक तत्व और भू माफिया निर्माण कार्य को रोकने, भक्तों को धमकी देने और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हैं। इसलिए पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर महोदय विवादित व्यक्तियों पर कार्रवाई कर उन्हें पाबंद करे। ज्ञापन के साथ भक्तों ने भूमि के दस्तावेज भी सौंपे हैं। किस संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? पुष्कर घाटी स्थित प्रसिद्ध नौसर माता का मंदिर जो लगभग 1200 साल पुराना है, उसको लेकर के हमारा जब यहाँ पे मंदिर महंत जी और सब जो कमेटी वालों ने जो बात करी, तो उसे जो सीमा ज्ञान कराया, जमीन को लेकर सीमा ज्ञान कराने लगे, उसके लिए तहसीलदार जी ने पटवारी को और गिरदावर को नियुक्त किया। वो लोग जब ज्ञान इसकी नापचोप कराने के लिए आए, तो जब नापचोप करा तो वहाँ के कोई लोग 2-4-5 जने होंगे असामाजिक तत्व के लोग, कि भाई नहीं ये करने देंगे। वो बोले हमें कागज मांगो, तो भाई आप अपने कागज ले आओ, हमारे कागज तो एक नंबर है। तो उसको लेकर के हम आदरणीय जिलाधीश महोदय जी को और पुलिस अधीक्षक जी को ज्ञापन देना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को पाबंद करें, क्योंकि हम तो हमारी सीमा के अंदर हैं, हम हमारी सीमा के अंदर सीमा ज्ञान करा रहे हैं, सीमा दीवार खिंचा रहे हैं, मगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व लोग हैं, वो चाहते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, सिर्फ हमारा कब्जा रहे। मंदिर कमेटी के साथ 12 साल में कागजों में है, बिल्कुल एक नंबर है, बिल्कुल साफ सुथरा है, उसी पे जमाबंदी सब है हमारे पास, नक्शा भी है, नक्शा भी हम दे रहे हैं उनको, पटवारी रिपोर्ट, तो उसको देने के लिए आए हैं, पूरे कागजों में हम एक नंबर है, कहीं गलत नहीं है, मगर वो लोग चाहते हैं दबाव की राजनीति करके, दबाव बना करके किसी भी तरह कब्जा करें, क्योंकि वो भू माफिया है और भू माफिया करके वो कब्जा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं आदरणीय कलेक्टर महोदय से और SP साहब से कि साहब उन लोगों को पाबंद करें, ऐसे असामाजिक तत्व जो ये कब्जा करते हैं, जगह जगह उन लोगों ने कब्जा कर रखे हैं और ये मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने जब ज्ञान कराया तो मंदिर के अंदर मंदिर की जमीन है उस पर हम दीवार खिंचवा रहे हैं और इस पर न्याय मिलना चाहिए और उस पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए और हमें शांतिपूर्ण तरीके से हमें हमारी दीवार खींचने दी जाए। लगभग 1200 साल पुराना है और बहुत प्राचीन मंदिर है, हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं वहाँ पे नवरात्रे के अंदर और वैसे भी आम जन लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए।